नमस्ते, प्रणाम, वंदन। आज़ाद भारत की आवाज़ और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम जनपद बहराइच के कैसरगंज सीएससी अस्पताल में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए सूबे के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने सम्मान पत्र प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। तो सर, स्वागत है आपका। और आज जो कार्यक्रम किया गया, सर इस पर क्या कहेंगे? आज एक फाउंडेशन ने जी समाज सेवा का व्रत लेकर कदम बढ़ाया है जी। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ समाज सेवा के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जी। बाढ़ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। विभिन्न प्रकार के यहाँ काम निकल कर आएंगे, लेकिन आज प्रथम आयाम में उन लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना के समय और लॉकडाउन जैसे संकट में जब कोई बाहर नहीं निकलता था तब 24 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम किया है और अनवरत उनको जितनी प्रशंसा की जाए कम है, उसको इन्होंने आज पुरस्कृत किया है। ये बहुत बड़ा काम है जी। सर, एक चीज़ और कहेंगे, बहुत जल्दी दीपावली का त्यौहार आने वाला है, सर इस पर क्या कहेंगे बधाई के स्वरूप अग्रिम? सर, निश्चित रूप से भारत एक मंगलमय देश, मंगल कामना वाला देश, यहाँ मंगल कामना अनवरत चलती रहती है जी। और जब हम दीपावली की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जीवन किसी का संपन्नता और सब विपन्नता के बाद अर्थ की आवश्यकता होती है जी। और दीपावली इस प्रकार का पर्व है जो सबके जीवन में उत्साह, उल्लास, संपन्नता, तो उस सब के लिए हम पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिले के, अपने प्रदेश के, अपने देश के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो सर, कार्यक्रम के बारे में क्या? संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन कैसरगंज की ओर से आज कोरोना सेनानियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जा चुका है। जश्न का माहौल है पूरे देश में और कोरोना के जो सेनानी हैं, आज हम सभी लोगों ने ये फैसला किया कि जो इतना कठिन काम कर रहे हैं, जान की बाजी लगाकर जो देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं, ऐसे सेनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए। संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन ने इसकी पहल की है, जिसमें हमारे बगल में खड़े संरक्षक कैसरगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री संदीप सिंह जी, हमारे अध्यक्ष कौशलिन चौधरी जी एवं सभी सदस्यगण राजस्वरूप श्रीवास्तव जी, अनिल अवस्थी जी, लोकेश श्रीवास्तव जी, ये सभी इसमें सहयोगी हैं और ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहेगा। क्या कहेंगे सर, दीपावली का त्यौहार आने वाला, उस पर क्या कहेंगे सर बधाई? दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। दीपावली का पर्व स्नेह का प्रतीक है और लाइट का प्रतीक है। सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएँ और ख़ासकर ऐसा पर मनाएं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पटाखे का कम से कम यूज करें जिससे प्रदूषण न फैले। इको ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद मित्रों। संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन के तहत टीकाकरण सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित होगा और आप देख रहे हैं इस वक्त सूबे के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपने वाहन के साथ इस वक्त सीधे कैसरगंज सीएससी पहुंच चुके हैं। मनीष श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण ने माल्यार्पण किया प्रमुख कैसरगंज। संदीप सिंह बिसेन ने भी माल्यार्पण किया। कौशलेंद्र चौधरी पूर्व प्रधान ने माल्यार्पण किया और वो सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त माल्यार्पण का दौर चल रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री का यहां पर माल्यार्पण कर रहे हैं लोकेश श्रीवास्तव व मनीष श्रीवास्तव तथा यहां पर जो भी सम्मानित लोग मौजूद थे, सभी लोगों का एक एक कर माल्यार्पण किया जा रहा है। परमजीत हिंदुस्तान से संवाददाता है, उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का माल्यार्पण किया और ये गौरव वर्मा का भी माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा। डॉक्टर एनके सिंह ने माल्यार्पण किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके सिंह को भी यहाँ माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन के तहत आयोजित सम्मान समारोह का कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पर स्मृति चिन्ह देकर के मनीष श्रीवास्तव जो दैनिक जागरण से संवाददाता है, वो यहाँ पर गौरव वर्मा को भी उन्होंने स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत अभिनंदन किया। मैं इस फाउंडेशन के लिए कहता कहना चाहता हूं, सामान्य रूप से समाज के बीच में काम करने के लिए जब मन होता है तो आदमी उसमें से रास्ता निकाल लेता है। केवल मन चाहिए, रास्ते तो मिलते हैं। और समाज सेवा के लिए भी यहां बहुत सारे अवसर हैं। आज समाज को जागरूक करना, जिसने समाज में श्रेष्ठ काम किया है उनको प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ समाज में आगे बढ़ने के लिए भी लोगों को अवसर देना, यह सब
इस प्रकार के जो रूप है सेवा के प्रकल्प है वे इसको पूरा करते हैं। और इसलिए मैं इस प्रकल्प को जो इनका संकल्प और वेलफेयर फाउंडेशन है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यह निवेदन करता हूँ कि बारह क्षेत्र है, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के आवश्यकता, कभी भोजन की, कभी मकान की, कभी दवाई की, कभी सफाई की, किसी भी रूप में आप खड़े हो जाए इनके साथ, तो जब किसी दुखियारे के चेहरे पर मुस्कान आती है तो दुखियारे नहीं मुस्कान भगवान मुस्कान के उद्घाटन में तभी से अपना स्वभाव देख के मैं बहुत खुश रहता हूँ। आसानी से देखने के लिए और अधिक पूरा करते हुए मैं अपने तरफ की मैं चाहता हूँ कि कैसर गंज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में के बाद जो अब मेडिकल कॉलेज का हो गया है इसकी भी स्थिति जिला अस्पताल जैसी हो जाए और सारी चीजें यहाँ पे। दोस्तों अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर एनके सिंह जो अधीक्षक हैं उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। उसी क्रम में अब आप देख रहे हैं जो भी डॉक्टरों की टीम मौजूद थी एक एक कर सभी लोगों को सूबे के लोकप्रिय यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री मुकुल बिहारी वर्मा यहाँ पर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं। संगीता श्रीवास्तव वरिष्ठ समाज सेविका को भी यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं सूबे के कैबिनेट मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा। गौरव वर्मा ने भी प्रशस्ति पत्र में सहयोग किया, वो भी प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टरों की टीम को सम्मानित किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया। परमजीत सिंह हिंदुस्तान संवाददाता को सम्मानित किया गया, मनीष श्रीवास्तव व राजस्वरूप श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया, अनिल अवस्थी पत्रकार को भी सम्मानित किया गया, फैजान जो दैनिक भास्कर से पत्रकार है उन्हें भी सम्मानित किया गया, वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना भैया को भी कैबिनेट मंत्री ने प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर के वापस सम्मानित किया। दोस्तों और राज स्वरूप श्रीवास्तव के बाद लोकेश श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया जा रहा है। अब आपको मैं ग्रुपिंग की पिक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर मौजूद है डॉक्टरों की टीम व पत्रकार बंधुओं को जैसा कि मैंने आपको बताया संकल्प वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम अगली वीडियो आप तक फिर पहुंचा सकें। जय हिंद जय भारत।